रहेंगे, स्कूल की घंटी बजी, छात्रों को कोचिंग की पड़ी। जी हाँ, कोरोना काल के बाद से ही भले ही स्कूल खुल गए हो, लेकिन अभी भी बच्चे वैसे स्कूल नहीं जा रहे जैसे कि कोरोना आने से पहले रोजाना स्कूल जाया करते थे। इसका एक कारण ये भी है कि स्कूलों की जगह कहीं ना कहीं एकेडमियों ने ले ली है। इसी सिलसिले में उपायुक्त के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जगह जगह छापेमारी की है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों में कोई आपको एक दूसरे से सवाल जवाब करता दिखाई दे रहा है तो वहीं किसी का घबराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि डीईओ के एक्शन मोड में आने से इनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं। दरअसल डीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। जी हाँ, डीईओ राम अवतार शर्मा के मुताबिक शहर में लगभग 34 एकेडमी चल रही है जिनकी जांच करके उपायुक्त को सौंपी जाएगी। बता दें कि उपायुक्त के आदेशानुसार डीईओ ने शहर की स्कूल टाइम में चल रही एकेडमियों का औचक निरीक्षण किया और फैसला लिया कि सभी एकेडमियों को नोटिस देंगे। बता दें कि स्कूल समय के दौरान चल रही एकेडमियों के खिलाफ उपायुक्त सख्त हुए थे और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए थे जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो स्कूल टाइम में ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को जो है कोचिंग एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है और आज हमने अभी दो एकेडमी विजिट की है, दोनों में स्टूडेंट मिले हैं हमारे। तो हम बेसिकली जो है ना स्कूलों से भी कांटेक्ट करेंगे कि स्कूल टाइम में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं और इनको भी जो है ना हम एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि स्कूल टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वही एकेडमी के संचालक सिद्धार्थ का कहना है कि बच्चों की हाजिरी सभी स्कूलों में कोरोना के दौरान से बंद है, ऐसे में बच्चे अपने सवाल पूछने के लिए सुबह या शाम एकेडमी आते हैं। सीबीएसई ने या हरियाणा गवर्नमेंट ने कंपलसरी बच्चों के अटेंडेंस स्कूल में की नहीं है, तो बच्चा सुबह ट्यूशन पढ़ने आए चाहे शाम को ट्यूशन पढ़ने आए, उसकी हेल्थ का इशू भी हो सकता है, उसके डिस्टेंस का भी इशू हो सकता है। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेने आते हैं, कोई होमवर्क होता है, कोई डाउट होता है वो नहीं, बस यही अगर बच्चे का स्कूल में कोई डाउट मिस रह गया हो, कोई होमवर्क मिस रह गया हो तो कहीं तो डाउट पूछने जाएगा, किसी घर पर पूछने जाएगा, अपनी दीदी के पूछने जाएगा, अब यहाँ पर आ गया तो क्या दिक्कत है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में ये एकेडमी स्कूल टाइम में खुलने से स्कूलों का नुकसान हो रहा है या फिर इन एकेडमी से सच में बच्चों को लाभ मिल रहा है। हर खबर के लिए भिवानी से दीपक मुत्रेजा की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नुकसान की भरमार भरपाई करो।